नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब? आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। आज मैं आप लोगों को पांच ऐसी टिप्स बताऊंगा जो नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जिन्होंने या फिर जिन्होंने पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट में नया डीमैट अकाउंट वगैरह खोला है, उनके लिए मैं 5 टिप्स आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। 2020 की शुरुआत में लगभग 2 से 2.25 करोड़ लोग ऐसे थे इंडिया में जिनके पास डीमैट अकाउंट था, बट पिछले 1 साल में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हो चुके जिन्होंने डीमैट अकाउंट अपना खुलवाया। लगभग 80 से 85 लाख लोग ऐसे हो चुके हैं अब जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। उनके अलग अलग रीजंस थे। कुछ का ये रीज़न था कि भाई देखो, मार्च में 7,500 निफ्टी चला गया था, 15,000 से ऊपर चल रहा है, लोगों ने इतने प्रॉफिट कमाए, कुछ लोगों ने कितने कितने पैसे कमाए। मैं खुद एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ, मैंने भी बहुत अर्न करा है स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में, तो मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को देख के और लोगों को देख के जो है डीमैट अकाउंट वगैरह अपने खुलवाए हैं, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप नए नए आते हो ना किसी भी फील्ड में, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है ना आपको कुछ टिप्स दे उसके लिए। एंड मैं जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है शुरुआत में, जब आप नया नया डीमैट अकाउंट अपना खोल रहे हो या आपने या आप खुलवा चुके हो, व्हाटएवर। पहला पॉइंट आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से हमेशा दूर रहो। अब ये हमेशा वाला जो वर्ड है, ये हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई 1-2 साल के लिए दूर रहते हैं, बाद में ट्राई कर लेंगे, व्हाटएवर। बट जब आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए हो ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे तो ध्यान ही मत देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस उन लोगों के लिए हैं जो नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो और डेप्थ में टेक्निकल्स और ये सब जो एनालिसिस वगैरह होती हैं वो सब करने के लिए वो तैयार हैं। एंड प्लस 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक 6.25 घंटे वो रेगुलरली टेक्निकल चार्ट और ये सब वो सब देखने को तैयार है, उनके लिए तो ठीक है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एंड प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं उनके लिए भी ठीक है। बट जो नए नए लोग डीमैट अकाउंट में जो आ रहे हैं ना, जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस अच्छा एक और वो नहीं है, एक इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं है उन लोगों के लिए। बिकॉज वॉरेन बफे भी कहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर मास वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो जो चीज़ वॉरेन बफे कह रहे हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको मैं कैसे आपको सजेस्ट कर दूं कि भैया आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डालो? तो कोई भी आपको आपका स्टॉक ब्रोकर बोले, कोई भी एडवाइज़र बोले, कुछ भी बोले कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप डालो, आपको इतना कम पैसे डाल के आपको ज़्यादा मिल जाएगा, व्हाटएवर, वो चीज़ उस पर मत जाइएगा। क्योंकि होता क्या है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस कर भी रहे हैं ना, मैं आपको एक असलियत बात बताऊं उन लोगों की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो लोग कर रहे हैं ना, वो बड़ा बोलते हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्या इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? इससे ज़्यादा भी कमाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा भी कमाए जा सकते हैं। बट इसमें कैच है, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा कि भाई मैं कम से कम 20 लाख रुपए कमाऊँ, क्योंकि आपके कम से कम 8 से 9 लाख रुपए ऐसे भी होंगे जो लॉस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए जो है, अगर आपको 10 लाख कमाने तो 20 लाख कमाओ, 20 लाख का आप टारगेट रखोगे, उसके बाद आपको उसमें से 7-8 लाख रुपए जो आपका नुकसान होगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका 100% प्रॉफिट होता हो। एंड प्लस उसमें टाइम वैल्यू का चक्कर होता है, उसमें ये भी होता है कि भाई आपने इस वो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए जो एक्सपायरी होती है, जो थर्सडे को होती है, वहाँ तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है। तब तक अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लॉस होता है आपको। प्लस जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, आपका जो वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड होता जाता है ना, आपका प्रॉफिट जो कम होता जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, इवन मैं भी 1-2 महीने करने के बाद मेरे को भी समझ में आ गया कि भाई इतना ज़्यादा रिस्क टेकिंग जो है, ये बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा जो डेप्थ में टेक्निकल्स में जाते हैं, जो बहुत डेप्थ में घुस चुके हैं, जिनका रोज़ का ही ये काम है, वो कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट नए जो लोग आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा बिल्कुल अ बिग नो टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दूसरी मेरी आपको टिप ये रहेगी कि भाई आप रोज़ जो है ना 2 घंटा कोई ना कोई एक बिजनेस चैनल आप देखो, CNBC देख लो, जी बिजनेस देख लो, जो आपको मन करे आप वो देख लो, इंडियन स्टॉक मार्केट आप NSE BSE आप सब कुछ फॉलो करो, ठीक है। और 2 घंटे आप बस देखो कि उसमें हो क्या रहा है, कि उसमें कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो कैसे लाल निशान से नीचे आ रहा है, कोई हरे निशान से ऊपर जा रहा है, व्हाटएवर, जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो आप कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। केवल आप देखो उसको 2 घंटा रोज़ का, मंडे टू फ्राइडे जब भी मार्केट खुलता है, मार्केट आवर्स में 9:15 से 3:30 के बीच में कोई भी 2 घंटे आप चूज़ कर लो, उसमें आप देखो, जानने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट होगा कि आप नॉलेज गैदर करो। अब नॉलेज गैदरिंग का ये है कि
आपको एक तो क्या है, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास 11th 12th के आपके अकाउंट्स की बुक पड़ी है तो ठीक है, नहीं पड़ी है तो आप इंटरनेट पे बहुत सारी जगह आप शेयर्स एंड शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसकी जो थ्योरी थी वो सब आप पढ़ सकते हो चाहो तो, वो सब आप पढ़ लो। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देखो, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश करो, नॉलेज गैदर करो, एक एक जो टर्म होता है उसका उसके बारे में नॉलेज गैदर करो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, SIP क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करो। और शुरुआत में यही जानना, ये नहीं कि आप जो है डेरिवेटिव्स भी देख रहे हो और वो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया फ्यूचर एंड ऑप्शन भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, नहीं नहीं केवल इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड और SIP देखो, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो फॉर अ बिगिनर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ज़्यादा टेक्निकल में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, एटलीस्ट जब आप इन सब चीज़ों में मास्टरी आपकी हो जाए, 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो नॉलेज गैदर का आप करो, नॉलेज की आज की डेट में कोई कमी नहीं है, अकाउंट्स की बुक नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हज़ारों ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, ये क्या टर्म होता है, वो क्या होता है, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, बायबैक क्या होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब आप जानने की कोशिश करोगे सब कुछ मिल जाएगा। देखो आज की डेट में ना कोई भी तरीके की नॉलेज बहुत आराम से अवेलेबल है, आप बहाने नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये टर्म नहीं पता, वो टर्म नहीं पता, मैं ये किससे सीखूं, वो किससे सीखूं। आज की डेट में आपको सब कुछ फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है, आपको रिटर्न में देखना है, विकीपीडिया देख लो, आपको वो ऑनलाइन आर्टिकल्स देखने हैं वो देख लो, वीडियोज़ देखने हैं वीडियोज़ देख लो, सब कुछ आज की डेट में फ्री में अवेलेबल है, फ्री इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है आज की डेट में, तो कोई आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप जो है एक एक मेन मेन चीज़ें सब अच्छे से समझ सकते हो। अब आता है चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये आता है कि आप जो है जो आपका स्टॉक ब्रोकर है या जिससे भी आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, फॉर एग्जांपल जैसे ICICI से खुलवाया, SBI से खुलवाया, HDFC से खुलवाया, या फिर ये चोला मंडलम है, या फिर आपका और भी बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं, इनका जो लॉगिन पैनल है, इनका जो प्लेटफॉर्म है ना, या इनका जो पोर्टल है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बाय सेल का कहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है, कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। 300 रुपये का कोई शेयर है, आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो आपको क्वांटिटी कहाँ पे लिखनी है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखो कोई इंसान अगर ICICIDirect.com चला पे अपना डीमेट अकाउंट खोल के बैठा हुआ और आप HDFC पे खोल के बैठ जाओ और उससे पूछोगे कि भाई ये मैं बाय एंड सेल कहाँ से करूँ, तो वो नहीं बता पाएगा आपको। हाँ, वो आपको ये बता सकता है कि भाई मार्केट ट्रेंड्स ऐसे हैं, आप ऐसे देख सकते हो, वैसे देख सकते हो, बट कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपके जो आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सी ऑप्शन कहाँ पर है। अब अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ऑप्शंस अलग अलग जगह होते हैं, iOS यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, सैमसंग का आप UI यूज़ करोगे तो उसमें कुछ अलग लेआउट होगा, MIUI यूज़ करोगे उसमें अलग लेआउट होगा, रियलमी UI में अलग अलग एक लेआउट होता है, इसलिए जो है हर प्लेटफॉर्म का अलग एक लेआउट होता है, आप उस लेआउट को जो है अच्छी तरीके से समझो, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, क्या है क्या नहीं है। एक भी गलत बटन दबा आपसे, पता चला 30,000 का जहाँ प्रॉफिट 30-40,000 का जहाँ प्रॉफिट हो रहा था वहाँ आपको लॉस हो गया, बाय करने थे सेल कर दिए, सेल करने थे बाय कर दिए, ऐसे से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो आपको टर्म्स वगैरह समझने जो मैंने आपको नॉलेज गैदरिंग में बताया था, फिर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने कि आपके पोर्टल में या जो भी आप जिस भी ब्रोकर से आपने खुलवाया अपना अकाउंट उसमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं, वो सारे आपको समझने ज़रूरी है। पाँचवा पॉइंट आता है करंट अफेयर्स। अब ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स जो हैं। देखो बहुत सारे चैनल्स हैं, स्टडी IQ एक चैनल है, खान GS रिसर्च सेंटर है, हालांकि मैं स्टडी IQ ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि खान GS रिसर्च सेंटर में क्या है कि देखो मैं कोई पर्टिकुलर चैनल के ऊपर नहीं बोल रहा, बट उनका क्या है कि उनके ऐसे होता है हफ्ते में 2 वीडियोज़ आ गए, 3 वीडियोज़ आ गए। स्टडी IQ का क्या है कि वो पल पल की वो देते रहते हैं आपको, रोज़ के उसके उनके 12-15 वीडियोज़ अपलोड होते हैं, रोज़ आपको करंट अफेयर्स पता लगते हैं, प्लस जो मैंने आपको बोला 2 घंटे आपको बिजनेस चैनल देखना उसमें और आपको करंट अफेयर्स पता लगेंगे। करंट अफेयर्स क्यों ज़रूरी है उस, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा भाई आगे क्या ट्रेंड है। अगर मेरे को पता है कि अरविंदो फार्मा जो है वो
एक कोई कुछ कोई दवाई बना रहा है जिसकी डिमांड है या कुछ भी है, तो मेरे को पता है भाई मेरे को उसका शेयर उठाना है। अगर मेरे को पता है कोई गैस पाइपलाइन का जो है इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का जो है कुछ रोल है, तो मेरे को पता है भाई मेरे को गेल का शेयर उठाना है। अगर मेरे को ये बताया जाता है कि बजट में, जैसे अभी बजट में जो आया था कि BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट होगा या कॉनकॉर्ड का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो मेरे को पता है भाई डिसइन्वेस्टमेंट होते ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाना है। तो इस वजह से जो है मेरे को BPCL या आपका ये कॉनकॉर्ड, ये सब जो भी शेयर्स हैं, ये जो चीज़ें न्यूज़ में है उसके हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। अगर मेरे को पता है रिलायंस जो है 2 महीने बाद 5G की टेस्टिंग करेगा, तो मेरे को रिलायंस का शेयर उठाना चाहिए, ताकि 2 महीने बाद जब वो 5G की टेस्टिंग करे और शेयर प्राइस ऊपर जाए, तो मैं जो है मैं उस वाले शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमा सकूं। देखो ये बोलना बहुत आसान है कि इनको लॉस हो गया था, उनको लॉस हो गया था, इसकी वजह से हम शेयर मार्केट में नहीं आते, रिसेशन हो गया था, शेयर मार्केट गिर गया था, सबको लॉस हो गया था, व्हाटएवर। देखो जिसको लॉस होता है ना वो बड़ा चढ़ा के बताएगा कि भाई मेरे को लॉस हो गया, और जिसको प्रॉफिट होता है वो इस वजह से नहीं बताता कि भैया ये दूसरा आदमी मेरे को नज़र ना लगा दे, या ये दूसरे आदमी को मैं क्यों बताऊँ कि मैंने कितने हज़ार कमाए, कितने लाखों रुपये कमाए, व्हाटएवर। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने वाले भी हैं, लॉस कमाने वाले भी हैं। अब आपको किस तरफ रहना है वो आपको डिसाइड करना होगा। एक लास्ट बोनस टिप मैं और आपको देना चाहूँगा। स्कैम 1992 एक वेब सीरीज़ आई थी अभी सोनी लिफ्ट पे, हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसके ऊपर थी, वो आप ज़रूर देखो, उससे आपको और नॉलेज पता लगेगी। इसके अलावा एक बुक है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको वॉरेन बुफे भी अपनी बाइबल मानते हैं, उस बुक का भी रिवाइज एडिशन भी लॉन्च हो गया है, उस बुक को आप ज़रूर पढ़ो। ये दो चीज़ें आप ज़रूर करो, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे आपको एक बेसिक नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट और ये सब चीज़ें पता लगेंगी, आप बहुत एक इन्फॉर्म डिसीजन अपना ले सकते हो। ये 5-6 पॉइंट्स से जो मैंने आपको बताए हैं, जो टिप्स हैं मेरी तरफ से, कि आप नए नए डीमैट अकाउंट आपने खोला है, नए नए आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने हो तो, और आप स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हो, आपको लगता हो कि जो नए लोग आए हैं उनको और पॉइंट्स भी दिए जा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, स्पेशली टू दोज पीपल जिन्होंने अभी नया डीमैट अकाउंट खोला है।